स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में लालकुआं जंक्शन से। और आज तारीख है 21 अक्टूबर 2024 और आज का वीडियो होने वाला है एक नई ट्रेन जो है वो लालकुआं से बांद्रा के बीच चलने जा रही है। इसकी यात्रा का एक वीडियो जो है वो आज आप लोगों को दिखाएंगे। ट्रेन को जो है वो सजाया जा रहा है धीरे धीरे। सुबह के 7:20 हो चुके हैं और सूर्यदेव जो हैं वो निकल आए हैं। आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, भारत भारतम, पृथ्वीम भारत भारतम, स्वागतम शुभ स्वागतम। और ऐसा बताया जा रहा है कि इतिहास में पहली बार जो है मुरादाबाद से होकर कोई ट्रेन जो है वो बम्बई के लिए जाएगी। अभी तक मुरादाबाद के रास्ते जो है कोई भी ट्रेन मुंबई के लिए नहीं जाती थी। लालकुआ बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस 22544, ये ट्रेन जो है प्रत्येक सोमवार को लालकुआ जंक्शन से 7:45 पर चलेगी और अगले दिन सुबह 8:30 बांद्रा टर्मिनस पर पहुंचेगी। ट्रेन को जो है पूरा सजाया जा चुका है। NER हरी झंडी जो है ट्रेन को दिखा दी गई है। लालकुआं जंक्शन से ऑन टाइम डिपार्चर होता हुआ ये इस तरफ है लालकुआं की सेंचुरी पेपर मिल। बाईं तरफ लालकुआ से डिपार्चर के बाद जो है ट्रेन जो है अब रुद्रपुर सिटी वाली लाइन पर जो है चल रही है अपने पहले स्टॉप के लिए। रुद्रपुर सिटी पर रुकेगी अभी। ये अभिशाप है लालकुआ जंक्शन के लिए, कभी कभी यहाँ पर इस मिल से जो है बहुत ज़्यादा बदबू जो है वो आती है। ये जो नीचे की तरफ ट्रैक जा रहा है बाई तरफ, ये जा रहा है भोजीपुरा जंक्शन की तरफ और हमारी तरफ ट्रेन जो है वो मुड़ रही है रुद्रपुर सिटी के लिए। कर्व आता है जैसे ही ट्रेन जो है रुद्रपुर सिटी वाली लाइन पर लालकुआं से आगे बढ़ती है। धीरे धीरे जो गुब्बारे हैं इसके वो गिरते जा रहे हैं। लालकुआं से जो ट्रेन है वो पूरी खाली ही चली है, लगभग लगभग ना के बराबर यात्री हैं इसमें। लालकुआ के बाद जैसे ही ट्रेन चलती है तो स्पीड जो है वो रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एलिफेंट कॉरिडोर है पूरा
जंगली जानवर जो हैं वो यहाँ पर हैं, तो फॉरेस्ट रेंज है इसीलिए यहाँ पर स्पीड जो है रेस्ट्रिक्ट है। रफ्तार बढ़ेगी तो गुब्बारे फूटने शुरू हुए। हमारे साथ रतन जी यात्रा कर रहे हैं, गुब्बारे फूटने मारे देखे करें गुब्बारे जंगल तो सर जंगल ही है। हल्दी रोड जो है वो स्किप करेगी हम ट्रेन। हल्दी रोड स्टेशन जो है वो अपनी मैक्सिमम रफ्तार में अब चल रही है और रुद्रपुर सिटी स्टेशन जो है वो आने वाला है। रुद्रपुर सिटी जो है वो पहुंच रही है ट्रेन और रुद्रपुर सिटी और लालकुआ जंक्शन से रुद्रपुर सिटी तक ट्रेन ने पहुंचने में लिए सिर्फ 35 मिनट, लगभग 30 से 35 मिनट ट्रेन जो है वो रुद्रपुर सिटी पहुंच गई। जो है हमारी काफ़ी देर से खड़ी थी रुद्रपुर सिटी स्टेशन पर, क्योंकि यहाँ पर बाघ एक्सप्रेस जो है वो आ रही है। बाघ एक्सप्रेस से हम लोगों की क्रॉसिंग है यहाँ पे। हावड़ा काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस। बाघ एक्सप्रेस से क्रॉसिंग के बाद अब रुद्रपुर सिटी से डिपार्चर होता हुआ सर। अब रुद्रपुर सिटी में जो है रोड साइडिंग जो है वो बनी हुई है, क्योंकि रुद्रपुर सिटी में जो है इंडस्ट्री जो है वो बहुत हैं। अब बिलासपुर रोड स्टेशन जो है वो स्किप करेंगे ट्रेन। क्वेश्चन है ब्रिज के ऊपर पीला खार नदी है, ये छोटी सी पीला खार।
कि एमपीएस का क्वेश्चन था इस ब्रिज पे। ट्रेन को जो है फूलों से सजाया गया था, तो इसी कोच में जो है फूल वगैरह सजाए गए होंगे, उसी की सफाई जो है वो चल रही है। रामपुर जंक्शन जो है वो आने वाला है अब। इस तरफ जो ट्रैक है ये जो है बरेली मुरादाबाद मेन लाइन जो है वो है। इस तरफ कोई ट्रेन भी जा रही है, वंदे भारत, देहरादून वंदे भारत वही लग रही है। अब हमारी ट्रेन जो है यहाँ से मेन रोड पर आ जाएगी। बाई तरफ मेन लाइन है बरेली मुरादाबाद रोड की। रामपुर जंक्शन पहुंच रही है ट्रेन। इधर खड़ा है WDG3 है। रामपुर पर ट्रेन पहुंची है 9:10 पर। ऑन टाइम डिपार्चर जो है वो रामपुर जंक्शन से हो रहा है। इधर खड़ा है WDG4G रोजा शेड का। इधर रामपुर जंक्शन पर कुछ पुराना डब्बा वब्बा खड़ा है यहाँ पे। इधर कभी प्लेटफॉर्म होगा कुछ, इस बारे में जानकारी नहीं है। हवाई ट्रेन जो है बरेली मुरादाबाद मेन लाइन पर जो है वो आ गई है। सामने से आ रही है नई दिल्ली काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस। खड़ा कर रखा है इसे। नई दिल्ली काठगोदाम शताब्दी रामपुर से निकलने के बाद अब अगला स्टॉप जो है वो मुरादाबाद जंक्शन है। दलपतपुर स्टेशन जो है वो स्किप करेगी अब, शायद यहाँ पर कॉशन है तो स्लो स्पीड में स्किप करेगी ट्रेन। ग्रीन सिग्नल है यहाँ पे लेकिन कॉशन है इसलिए यहाँ पर स्लो है। दलपतपुर ग्रीन सिग्नल। और ये शायद मोबाइल झपटने वाले लोग हैं। ये इधर के कुछ जाहिल लोग हैं शायद। ग्रीन सिग्नल।
ट्रेन हमारी जो है वो कटघर केबिन जो कि मुरादाबाद से पहले पड़ता है वहाँ पर पहुँच रही है, और इस तरफ जो लाइन आ रही है ये वाली, ये आ रही है काशीपुर जंक्शन से जो कि कटघर केबिन पर मिलती है और मुरादाबाद जंक्शन पर जाती है ये भी लाइन। ये है कटघर केबिन, पावर केबिन कटघर जंक्शन। मुरादाबाद से ठीक पहले रामगंगा ब्रिज जो है, रामगंगा नदी का ब्रिज वो आ रहा है। यहाँ पर भी कॉशन है 45 किलोमीटर प्रति घंटा का। नदी में जो पानी है वो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बारिश का सीजन जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। इंजन के ऊपर जितनी सजावट थी वो सारी ही गाड़ी जो है वो उतर चुकी है। इस तरफ बाईं तरफ जो लाइन है, अभी आगे चल कर जाएंगे, ये वाली जो लाइन है ये आ रही है चंदौसी जंक्शन की तरफ से। ये लाइन चंदौसी जंक्शन की तरफ से आ रही है, रही है मुरादाबाद जंक्शन पर। बाद 1885 अजमेर की ओर जाने वाली वाया नंबर 4 पर आ रही है। मुरादाबाद में इस तरफ खड़ी है कोई मेमू ट्रेन, मुरादाबाद से डिपार्चर हो रहा है और इतिहास में पहली बार कोई ट्रेन जो है मुरादाबाद से वो मुंबई के लिए जा रही है। और इधर से भी कोई मेमू ट्रेन जो है वो आ रही है, शायद शंटिंग की जा रही होगी इसकी। आ रही है शायद पूर्णागिरी जनशताब्दी है ये, शायद वही लग रही है। 37 वही है, टनकपुर दिल्ली पूर्णागिरी जनशताब्दी। ये तो बहुत पैक है, ये यहाँ पे खाली हो जाएगी, लेकिन मुरादाबाद में इससे दिल्ली से मुरादाबाद काफ़ी लोग आते हैं। ब्रेक उसमें, ब्रेक क्या नाम, उसमें भी भरे हुए हैं लोग। मुरादाबाद से ट्रेन निकल रही है और इधर अंबाला वाली लाइन पर जो है कोई ट्रेन खड़ी है। कौन सी है
जम्मू तो भी काट गोदाम और यहीं से जो ट्रैक है अम्बाला के लिए वो अलग हो जाता है मुरादाबाद से। और ये सीधा ट्रैक जा रहा है दिल्ली के लिए जिधर हमारी गाड़ी जा रही है गाजियाबाद के लिए, और उस तरफ जो ट्रैक है वो जाता है अम्बाला के लिए। मुरादाबाद का जो यार्ड है वो काफ़ी लंबा है, वहाँ से निकलने में लगभग 10 से 15 मिनट लग जाते हैं ट्रेन को। अब फिर से अपनी नॉर्मल स्पीड में जो है वो आ रही है ट्रेन। अब मुरादाबाद से गाजियाबाद के बीच में 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जो है वो है मैक्सिमम। अमरोहा पहुंच रही है ट्रेन। अब अमरोहा से डिपार्चर लेते हुए और ये इसका था शायद पांचवा स्टॉप था। नदी जो है वो क्रॉस करने वाली है ट्रेन। अब सामने ब्रिज है गंगा नदी का। यहाँ पर नदी में गन्ना भी लगाया हुआ है। माँ गंगा को पार कर रहे हैं हम लोग और नदी में पानी जो है वो कम है क्योंकि बारिश का सीजन जो है वो ख़त्म हो चुका है। गंगा नदी को क्रॉस करने के बाद तुरंत आएगा गढ़मुक्तेश्वर, इसे भी हमारी ट्रेन जो है स्किप करेगी। तुरंत आ जाता है गढ़मुक्तेश्वर पुल स्टेशन और ये शानदार चक्कर
ट्रेन पहुंच रही है अपने छठे स्टॉप हापुड़ जंक्शन पर। हापुड़ जंक्शन से एक लाइन जाती है मेरठ के लिए और एक लाइन जाती है अलीगढ़ की तरफ। और यहाँ पर कोई ट्रेन खड़ी है, इसे शायद ओवरटेक करेगी हमारी ट्रेन। मुजफ्फरपुर आनंद विहार सप्त क्रांति। हापुड़ जंक्शन टाइम हो गया 11:42। हापुड़ जंक्शन से डिपार्चर हुआ है 11:45 पर। अब इसके बाद ये ट्रेन रुकेगी गाजियाबाद और हमारी जो जर्नी है वो गाजियाबाद पर समाप्त हो जाएगी। अच्छी पर कोई काम हो रहा है और ये जो लाइन जा रही है दाएं हाथ पर ये जा रही है मेरठ की तरफ, ये वाली लाइन। ये वाली लाइन जा रही है मेरठ की तरफ। हमारी ट्रेन जो है वो पहुंच रही है गाजियाबाद जंक्शन पर और ये इस ट्रेन का 7वां स्टॉप है और इधर से भी कोई ट्रेन आ रही है। डिब्रूगढ़ राजधानी है, रोक दिया गाजियाबाद आउटर पर।
गाजियाबाद में अराइवल हो रहा है हम लोगों का, और यहीं पर हम लोगों की जर्नी जो है वो समाप्त होती है। और यहाँ पर ट्रेन जो है ऑन टाइम आई है 12:40 पर। यहाँ आने का टाइम जो था वो था 12:42। मुरादाबाद लखनऊ के रास्ते